कैपिटल स्पोर्ट विशकिल शेख के साथ मैं उन्हें खोकर नाजरीन प्रोग्राम में बात करेंगे। इंग्लैंड सीरीज के लिए पाकिस्तान की तैयारियां जारी हैं। इंग्लैंड की टीम 27 तारीख को पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद पहुंचेगी और 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। वर्ल्ड कप में बड़े सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं, अपसेट मैचेस हो रहे हैं वर्ल्ड कप में। और फिर बात करेंगे कौमी खेल हॉकी के हवाले से, जहाँ पर हॉकी के फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं वो कहते हैं कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं कि हम अपने प्लेयर को दे दें। हॉकी के जो ग्राउंड्स हैं उनको ताले लगने जा रहे हैं। मुराद अली शाह से उन्होंने रिक्वेस्ट की है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। शेख साहब, वेलकम करते हैं आपको शो में। और आज हम 3-4 खेले हैं जो मज़ीद भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम क्रिकेट से शुरू करते हैं। इंग्लैंड की टीम आ रही है पाकिस्तान में, बल्कि टीम पे भी बात कर लेते हैं। उनकी सीरीज रात को एक मदो किया गया था, इशाइयत दिया गया कौमी टीम के हवाले से। वहाँ पे आर्मी चीफ भी मौजूद थे और सदर पाकिस्तान भी मौजूद थे। सबसे पहले उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम जो टीम है, जो टेस्ट स्क्वाड है वो भी मौजूद था, और जो हमारे वर्ल्ड कप खेल के आए वो भी मौजूद था। अच्छा, ये जो 2-3 चीज़ें मैं इसमें कहना चाहता हूँ, एक तो फंक्शन करें, टीम को ऑनर करें, कोई हरज नहीं है, ये अच्छी बात है और होना चाहिए। मगर ये जो डिफीट को सेलिब्रेट करना ना, ये मैंने दुनिया में पहली बार देखा। ये रमीज राजा का या सदर साहब आए हैं, या उनको सोचना चाहिए था कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, वो फिर अपने आप की तारीफें खुद कर रहे हैं, फाइनल में पहुंच गए। हालांकि फाइनल में आपको पता है ये ना परफॉर्मेंस से पहुंचे जी ना कुछ हुआ, वो सिर्फ नीदरलैंड ने एक सरप्राइज साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो हम जम कर गए। अब इसमें से परफॉर्मेंस का कोई तल्लक ही नहीं था, ये तो एक लक थी, और लक से न्यूजीलैंड को कोई रेट ही नहीं कर रहा था तो उससे हो गया। ये मैंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा रिवाज देता है टू सेलिब्रेट डिफीट, सही, टू सेलिब्रेट अवर फेलियर्स। आपकी मर्जी है, आप अगर इतना करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, तो फिर आगे मैच आ रहा है, वेस्ट इंग्लैंड का सीरीज आ रही है, ये मैच हार के पिंडी में फिर एक और जश्न करें, अच्छा फिर एक और मजमा लगाएं, ठीक है, फिर और लोगों को बुलाएं, पैसा लगाएं। असल में मेरा ख्याल है इसका मकसद, मैं जो समझा हूँ इस फंक्शन का, वो ये था कि एक पीआर एक्सरसाइज है, ये अंडर थ्रेट है रमीज राजा कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। ठीक है, वर्ल्ड कप दोनों हार गए, एशिया कप हार गए, आप देखें कि टेस्ट स्टेटस में जाए ना, टेस्ट चैंपियनशिप में, तो टेस्ट चैंपियनशिप के 5 मैचों में से पिछले जो 5 मैच हैं ना, उनमें से एक मैच ये जीते हैं, 2 आ रहे हैं और 2 जो हैं वो ड्रा हुए हैं। अब मुझे बताएं, 5 में से आप एक जीते हैं, क्या परफॉर्मेंस है आपकी? सही। और ये इधर अपने बंदों को बुला के और प्रेजेंटेशन करा देते हैं, और जो सही सही जो इन्फॉर्मेशन होती है वो देते नहीं है, दूसरी दे देते हैं। तो मुझे लगा कि थोड़ी सी ना एक पीआर एक्सरसाइज थी जो फेल हो गई, ठीक है, सियासी एक्सरसाइज थी जो फेल हो गई। फेल इसलिए होगी कि जिस क्रिकेट का स्ट्रक्चर है ना, इसमें पैटर्न है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ही मौजूद होता है, और प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं आया। अब सदर के आने से कोई फ़ायदा नहीं है। आर्मी चीफ आपको पता है कि उनका तो नोटिफिकेशन निकल गया है कि 29 को वो जा रहे हैं, वो रिप्लेस हो रहे हैं। तो इन्होंने अपनी तरफ से वो शो करने की कोशिश की है, एक बोगस एक्सरसाइज थी, एक डिफीट को सेलिब्रेट करना, फेलियर को सेलिब्रेट करना, ये रमीज राजा का ही काम है, ठीक हो गया, रमीज राजा और इस बोर्ड का ही काम है। और देखें, बोर्ड आना चाहिए नया, ठीक है, और जीत होनी चाहिए, पाकिस्तान की टीम अच्छी होनी चाहिए, फिर सेलिब्रेशन करें। सही है। अच्छा, सेलिब्रेशन फिर कोरी पूरी कौम को शामिल करें, एक होटल के कमरे में जाके या हॉल में जाके ना सेलिब्रेट करें, ठीक हो गया, रोडों पे करें, ठीक हो गया, लिबर्टी चौक लाहौर में करें, राजा बाजार पिंडी में करें, कराची में करें, सेलिब्रेशन हम करेंगे पिंडी मैच जीतने के बाद। मजा आए ना, ये क्या हुआ कि भाई आप हार गए हैं और आप सियासी तौर पर अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए टाइया सूट पहन के और पता नहीं किस चीज की खुशी मना रहे हैं। मुझे तो रमीज राजा के ज़हनी कैफियत पे है कि कुछ साइको है, कोई एनालिसिस करवा, शायद वो पावर शो करना चाह रहे होंगे, पावर शो नहीं है, सियासी शो, ठीक है, कि और वो फेल हो गया कि जिसका कंसर्न है वो है ही नहीं, ठीक है, तो इंडिकेशन इज क्लियर कि रमीज राजा इज ऑन हिज वे आउट, ठीक हो गया। मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, वेलकम करते हैं शो में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। मोहसिन, आपकी तरफ मैं सवाल की तरफ आऊंगा, लेकिन मैं शेख साहब आपके गोश गुजार भी एक चीज़ करता रहूं। मोहसिन भी सुन रहे हैं, कल जब ये चल रहा था, इशाइया चल रहा था, तो आर्मी चीफ से हमारी भी मुलाकात हुई और उनसे पूछा गया, जर्नलिस्ट ने पूछा उनसे कि आप क्या करना चाह रहे हैं आगे, फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं। तो एक जर्नलिस्ट ने उन्होंने कहा कि आप शायद गोल्फ खेलेंगे, तो मैंने उन्हें मशवरा दिया कि पाकिस्तान फुटबॉल की हालत बहुत पतली है, 211 में से हम 196 नंबर पे हैं। तो वो कहते हैं कि उनका बड़ा 209 नंबर में नहीं है मेरा ख्याल, चले जी। तो
मैंने उन्होंने कहा कि वो फुटबॉल ना सिर्फ वो बल्कि उनकी फैमिली भी बहुत पसंद करती है फुटबॉल, और वो कह रहे हैं कि वो बड़े खुश होंगे अगर फुटबॉल में आते हैं। हॉकी और फुटबॉल के हवाले से उन्होंने बात की, इस पर बात करेंगे। मोहसिन, मैं ज़रा सवाल करना चाहूँगा आपसे, एक तो कल के इशाइए पर अगर आप कोई बात करना चाहें तो ज़रूर, और दूसरा आज टीम ने प्रैक्टिस की है यहाँ इस्लामाबाद क्लब के ग्राउंड में, और क्या समझते हैं टीम की अनाउंसमेंट भी हुई है, स्क्वाड भी आपके सामने है, स्क्वाड कैसा है, मुतअद्दिद प्लेयर्स हैं उनको जगह नहीं मिली, अलबत्ता सरफराज को दोबारा से शामिल किया गया है, स्क्वाड के हवाले से क्या कहेंगे और टेस्ट सीरीज के हवाले से, पहले टेस्ट के हवाले से क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कल थैंक्सगिविंग डे था, तो आपको अगर नीदरलैंड की टीम नहीं बुला सकते थे, कम से कम उनके एम्बेसडर को बुला लेते, उसको बुला के उसका शुक्रिया अदा करते, उसके जनाब रमीज राजा को तो चाहिए था उसे नेशनल कलर का ब्लेजर देता, उसे कहते यार थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी कुर्सी और इस कॉम से मुझे कुटने से बचा लिया, शर्म की बात है। बिल्कुल शेख साहब भी कह रहे हैं, मुझे 2011 भी याद है जब हम इंडिया से सेमीफाइनल हार के आए थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, मैं उस फंक्शन में मौजूद था, बाद में चौधरी निसार अली खान जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे उन्होंने भी एक शाया दिया था, तो मैंने उनसे भी पूछा था कि भाई हारने के बाद जो है ये क्या, आप हमारी यहाँ पे बाकी स्पोर्ट्स में टीमें गोल्ड जीत के आते हैं, लड़के बच्चियां उनको कोई पूछता नहीं है, क्रिकेट में ये हार के आते हैं आप, इनको ये क्या कल्चर आप डिवेलप कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है, पहली बात तो ये है कि इसका कोई तुक्की नहीं बनती, हारों को जो है आप उस पर भी सेलिब्रेट करते हैं। नंबर टू, पैटर्न जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर भी हैं, मुझे लग रहा है उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें भी लग रहा है इमरान खान ही से उन्होंने जो है ना डिक्टेशन लेनी है, इसीलिए इमरानियात ही अभी चल रही है हमारे क्रिकेट बोर्ड में भी। जैसे कल सदर पाकिस्तान वहां गए थे पूछने के जी इंग्लैंड की सीरीज के जो है इंतजाम हमने करने हैं कैसे करें, तो ऐसे ही हो रहा है अभी इसमें भी। देखिए एक क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब को, वो ये जाता है कि उन्होंने, उन्हें ये नहीं पता था क्रिकेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उन्हें ये नहीं पता था कि प्रेसिडेंट जो है वो क्रिकेट बोर्ड का है, और उन्हें ये भी नहीं पता था एक SOP फॉलो करनी पड़ती है फिर चेयरमैन चेंज होता है। उन्होंने अनाउंस किया मैंने नजम सेठी को हटा दिया, तो उन्होंने ये किया, उसके बाद जो क्रिकेट के साथ जुल्म हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। जहां तक टेस्ट टीम की बात है तो लैपटॉप सिलेक्टर को ये टीम पकड़ाई गई है कि ये टीम अनाउंस कर दो, जफर गौर को काउंटी वाले कह रहे हैं कि ही इज द बेस्ट, 50+ विकेट है उसकी, नुमान अली की एवरेज देखे, नुमान अली की विकेट देखे, सबसे बड़ी बात है अजहर अली किस बेस पे टीम में वापस आए हैं, सरफराज को आपने प्रेशर में लिया है क्योंकि आप उससे बेंच ही गर्म करवाएंगे, रिजवान तो बाहर नहीं होता ये तो सारी दुनिया को पता, फवाद आलम 11 साल जलील हुआ है, 400 उसके आपके कप्तान के 400 नहीं है इस अरसे में, जितने 100 उस लड़के ने मारे वो बेचारा बाहर हो गया। फिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि भैया मोहम्मद अली सिलेक्ट हुआ, आपका मेन फास्ट बॉलर जो बाहर हुआ उसका नाम है शहनशाह अफरीदी, तो लेफ्ट आर्म था, मीर हमजा का बच्चा बीमार था, उसने आखिरी कुछ मैच नहीं खेले, उसकी परफॉर्मेंस देखें और बाकियों की परफॉर्मेंसेज आप देखें, क्या आप एक बिल्कुल नई हारिस रऊफ से आप डेब्यू करवाएंगे, नसीम शाह जो है, फहीम अशरफ बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है, उस लड़के को आपने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप नहीं खिलाया, डायरेक्ट आपने उसको टेस्ट में, इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये 12-13 लाख लेने वाले लोग, और सबसे बड़ी बात आपने ईशाइये की बात की है, कल हुआ है मुझे भी इनविटेशन था नवीद खोकर साहब, मेरा भी दिल करता है कि 2-4 प्लेयरों के साथ सेल्फियां आपकी तरह लगाऊं कि लोगों को पता लगे मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन वो खैर ये लाइटर नोट पे था, आप तो सीनियर आदमी है, वैसे एक मतलब जोक था। देखिए वहां पे उन्होंने भेड़ बकरियों की तरह पता नहीं किस किस को बुला लिया, और मजे की बात यह है जो जेन्युइन जर्नलिस्ट है सीनियर है जो पाकिस्तान में जिनका एक नाम है उन सबको इन्होंने इग्नोर कर दिया। ये जो समी बर्नी बैठा हुआ है इसका मैं आज तक नहीं समझ पाया इसका रोल क्या, वो देखिए वो इमाद अमीर ने तो रिजाइन कर दिया, वो पहली बारिश का कतरा है बाकी भी जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है जब तक आप एक कल्चर डिवेल्प नहीं करेंगे, शकील शेख साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, मैं इनका वर्स्ट क्रिटिक भी था और मैं खुल के इनकी तारीफ भी किया करता था, इनसे पूछ लें कि जहां ये गलत होते थे तो मैं इनके फेस पे जाके कहता था कि शेख साहब ये गलत है, सही और है। इनको एक क्रेडिट जाता है नवीद साहब कि इनमें डेप्थ थी, इन्होंने कभी पिक एंड चूज नहीं
इन्होंने ये नहीं देखा मोहसिन अली सदर रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है और नवीन कोकर रोज टीवी में है। इन्होंने ये नहीं देखा कोई बड़े दायरे का कोई छोटे दायरे का, इन्होंने हमेशा सबको इक्वल जस्ट ट्रीटमेंट दिया। और मैं यहाँ ये जरूर कहूंगा कि जब मैं सदर रहा इन्होंने हमेशा हमारी कम्युनिटी को, जैसे आपको पता ही है, हमें हमेशा इन्होंने फैसिलिटेट, बल्कि आउट ऑफ द वे भी जाके, कभी ये कार्डों का कभी ये नहीं मसला हुआ ट्रेडिशन में कि जनाब आपने क्यों के फिल नहीं किए फॉर्म, ये तो ऐसे ही है जैसे पुलिस आपको चलान फॉर्म और करेक्टर से। मैं आप और ये बाकी जो जर्नलिस्ट हैं, जिंदगियां इनकी गुजर गई हैं, अगर इन्हें हर सीरीज पे अप्लाई करना है, अच्छा फिर मुझे ये बताएं कि मोहसिन अली को लाहौर और कराची नहीं मिलेगा, लेकिन कराची और लाहौर वालों को इस्लामाबाद में या पिंडी में कवर करना मिलेगा क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है? यूट्यूबर जिनके घर से कोई नहीं जानता वो आज पीसीबी में बैठे हुए हैं, यूट्यूबर जो है वो कराची लाहौर में कवर करते हैं। पाकिस्तान के नंबर वन यूट्यूबर जो है वो चैनल रिजवान हैदर साहब का है, लेकिन उसका इन्हें नजर नहीं आता। हैरान और परेशान हूँ, ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? मोहसिन सवाल ले ले। मोहसिन मैं आपको वेलकम करता हूँ, मैं आपसे तीन चीजें शेयर करके फिर मैं आपका इस पे कमेंट्री चाहता हूँ, ठीक है? देखें, ये पिंडी का टेस्ट है ना, ये होना था इसलिए फिर ये हाई कमिश्नर और रमीज़ राजा इमरान ख़ान के पास गए थे, उसको समझाया था कि ये टेस्ट होने दें, ये क्योंकि इंग्लैंड ने इनफॉर्मली और फॉर्मल दोनों सेक्टरों से पिंडी का टेस्ट नहीं होगा तो हम इस टेस्ट को स्क्रैप कर देंगे, फिर दूसरा टेस्ट होगा और तीसरा होगा, पहला टेस्ट नहीं होगा। यानी कि अच्छा, जब इनको ये पता चला तो इनका इन्होंने ये सोचा कि भाई हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, पाकिस्तान में 5 टेस्ट होने हैं, 2 न्यूजीलैंड के और 3 ये, और पाकिस्तान जो है टेस्ट चैम्पियनशिप में 5वें नंबर पे है, ठीक है, 56 पॉइंट है पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान नीड के भाई मैच होने चाहिए, एक मैच हमें जीतना चाहिए, 2 अगर वो मैच स्क्रैप हो जाता तो पॉइंट लेस जाता या 4 पॉइंट जाते तो बाद वाले मैचों में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होता। तो इन्होंने इमरान खान को भी समझाया कि भाई ये नहीं करें, ये मैच स्क्रैप हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड टीम जाती थी फिर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ हो। एक तो मुझे इस पर आपका तबसरा चाहिए कि, और ये कन्फर्म है कि इनफॉर्मल सेक्टर से उन्होंने पाकिस्तान को कन्वे कर दिया था कि हम पिंडी से शिफ्ट नहीं करेंगे, पिंडी का मैच फिर ख़त्म हो जाएगा अगर सिक्योरिटी या किसी रीजन से हुआ, एक बात हो गई। दूसरा, जो मैंने सुना है कि ये जो गोरा स्टाफ रखा है रीजन के साथ, उन्होंने कोयटा जाने से इनकार कर दिया, जब इनकार किया तो फिर कोयटा में आपको पता फर्स्ट क्लास के मैचेस जो थे वो नहीं हो सके, इसकी आपको इतलात हैं, हमें भी इन्फॉर्म करें, ये बड़ा सीरियस मैटर है कि पहले रमीज़ राजा ने बड़े फनफेयर से इन सारों को बुलाया और आपको पता है 2-3 टीमों में गोरा स्टाफ है और उन्होंने जाने से पाकिस्तान के एक जगह भी शेड्यूल बना हुआ था और वो वहाँ पे उन्होंने फिर शेड्यूल को चेंज किया। 2 सवाल हो गए। अब तीसरा मोशन ये है कि आपने पाकिस्तान की टीम में ना होल सेल चेंजेस किए हैं, यानी 4-5 चेंजेस आपने कर दी है, ठीक है, मुझे ये बताएं कि ये जो स्पोर्ट्स स्टाफ है 12-13 बंदों का, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये सारे के सारे वही हैं, ये सारे के सारे धुले हुए हैं, वर्ल्ड कप आप हार गए हैं, फाइनल आप हार गए हैं, इनमें से कोई चेंज नहीं करनी, मोहसिन अली का इन तीनों के बारे में क्या ख्याल है? पहली बात है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, आपने कहा समझाने के, इमरान खान को आज तक कोई समझा सका है शेख साहब? सही है, पीसीबी में मेरी खुद बात हुई थी और बड़ी जिम्मेदार, जाहिर बात है मेरे सोर्सेज आप जितने तगड़े नहीं है लेकिन चले थोड़े बहुत तो हमें भी लोग जानते हैं, तो उन्होंने ये एग्जैक्ट जो बात आपने की है उन्होंने इंडोर्स किया, उन्होंने कहा जनाब ये रमीज़ राजा वहां पे अपने तलकात बहाल नहीं करने गया था इमरान से, वो कहने गया था कि कोई मेहरबानी करें, कोई रहम करें, वरना बेड़ा ये पिंडी टेस्ट आज सूरत में पिंडी में ही होना है। एग्जैक्ट जो बात आप कर रहे हैं यही बात सच है। सही। अच्छा तीसरी जो आपने स्पोर्ट्स का देखे वहां बाबर आजम बेचारा, अच्छा कोई बुराई नहीं है मेरे को भी, अगर मैं 32-33 साल रहा हूँ इंग्लिश पेपर में, लेकिन अगर मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी आती तो अगर शकील शेख साहब मेरी जगह मैनेजर गए में बोल लेंगे तो मेरी शान में कमी नहीं आएगी। सही। लेकिन वो इब्राहिम बदीस जो इनका क्या हुआ था, जिस बेचारे को पता नहीं, मैं आज तक ये समझ नहीं सका शेख साहब कि क्राइटेरिया क्या है, वो पहले रजा जाया करता था और जाते थे, हमारे कप्तानों को अंग्रेजी नहीं आती थी, वो खड़े होकर सवाल ले रहे थे और वो आगे कमी नहीं दे। अच्छा इसमें कोई बुरी बात नहीं है, रशियन प्रेसिडेंट है, बाकी दुनिया में चाइनीज प्रेसिडेंट है, ये अपनी जबान में बोलना फख्र महसूस करते हैं, आगे से लोग इसको बता देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं, लेकिन आपके ये जो स्पोर्ट्स स्टाफ है ये सिर्फ ये एक ही लड़का हर जगह जाता है, ना ये किसी का फोन सुनता है, ना इसे पता है कि सीनियर कौन है। अच्छा इसमें हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा हाथ है,
कुछ जो लोग हैं वो डेढ़ डेढ़ इंच की मस्जिद बनाते हैं। हम मुझे नहीं याद है कि शकील शेख जब तक 2017-18 तक आप रहे, हमें कभी प्रॉब्लम हुआ हो कि ये एप्लीकेशन नहीं बना, ये जनाब यूं नहीं हुआ, ये गाड़ी की पार्किंग का कोई मसला हो गया। लेकिन ये जब से आए हैं ये रोज पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि चेंजेस सिर्फ चेयरमैन ही क्यों, ये जो अंदर बैठे हुए हैं साकिर खान 30 साल, शकील शेख साहब मैं भी किसी का बैग उठा लूंगा, थोड़ी बहुत क्रिकेट तो मैंने भी खेली है, आपको तो पता ही है, तो मुझे भी कोई लगा दे, कोई 3 टेस्ट मैच मेरे वालिद साहब न्यूज एडिटर थे मुस्लिम अखबार के, वो चले तो वो नहीं थे पीसीबी के चेयरमैन, लेकिन 3 मैच अगर आप उस मेरे साथ ना ज्यादती करते तो मैं भी क्रिकेट बोर्ड में कोई ना कोई जीएम लगा हुआ था, आपने बड़ी ज्यादती किया। और तीसरा सवाल जो मेरा था कि मैच चेंज किए हैं कादर अली ट्रॉफी के गोरे स्टाफ की वजह, देखे वो वही में आने लगा था क्योंकि ये 2 इंटरनेशनल बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल वही है जो आपने किया बलोचिस्तान वाला, ये रमीज राजा कर क्या रहा है? रमीज राजा ये कर रहा है शेख साहब के 1 अरब रुपए से जूनियर प्रीमियर लीग हुई, 1-1 करोड़ रुपए मेंटोर्स को दिया, बांग्लादेश ने हमें वनडे में ठोक दिया, T20 में हमें 1-1 मैच से बराबर हो गई, ठीक है, ये थी आपकी जूनियर प्रीमियर लीग। सही उसके है। बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ शकील शेख साहब, इसने जनाब वो जो है मैथ्यू हेडन, मैं नहीं कहता वो बुरा है, लेकिन भाई जान अगर मुझे घर बिठा के आप $70,000-80,000 देंगे तो मैं तो जनाब खुद ये अपने तलकार ठीक कर रहा। अच्छा, इसे पता ठीक हो गया, इंडिया से ले लिया पंगा, आईपीएल के वाले से बयान, कोहली के वाले से बयान, फलाने के वाले से बयान, अननेसेसरी अनवांटेड अनकॉल्ड फॉर। देखिए चेयरमैन जो होते हैं उनका ये बयान नहीं बनता कि वो जनाब पड़ोस में हर एक के साथ पंगेबाजी ले। अच्छा, अच्छा सही मोहसिन, बड़ा अच्छा फर्स्ट क्लास आपने कर दिया। मैं दो बातें और बता दूं, एक आपके बड़े ज़ाती इंटरेस्ट की है, आप लोगों को सुना है कि ये फंक्शन में भी और दूसरी जगहों पे भी इग्नोर किया जाता है, समीउल हसन बरनी जो है इनके खिलाफ एक इंक्वायरी हो रही है, पीसीबी का एक सीनियर ऑफिशियल है, उसी की कंपनी है, उसकी कंपनी या उसके किसी रिलेटिव की कंपनी है, वहाँ से लायर लेके, तो वो जो लड़ाई हुई थी आपको पता है उसका फैसला होने वाला है। मैंने सुना है रैप, कोई कह रहा है रैप अप करना चाहते हैं, कोई कहते हैं नहीं छूटेगा नहीं, उसमें काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि या तो उसको सज़ा होगी या वार्निंग होगी या जो भी कुछ होगा। एक तो ये सवाल है कि उस पर बताइए कि उस पर आप लोगों के साथ क्या डीलिंग है, जर्नलिस्टों के साथ कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। एक दूसरी बात यह है, देखें आज पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस जो है ना ये इधर इस्लामाबाद में एक ग्राउंड में हुई है, ठीक है, इसकी वजह ये नहीं है कि वो ग्राउंड बहुत टॉप का है या वो है, उसकी वजह सिक्योरिटी थी कि मरी रोड पे इस वक्त आप अगर जाए ना तो आप सुबह से शुरू तो वो स्टेडियम नहीं आप जा सकते, आप वहाँ पे कंटेनर और बड़ी चीज़ें और बड़ा सिस्टम है जो PTI का हो रहा है, तो उस वजह से स्टेडियम नहीं जा सके, लिहाजा प्रैक्टिस इधर कर दी है। ये क्या सिग्नल देता है पाकिस्तान में या दुनिया को क्या सिग्नल देते हैं? बात ये है कि आप लोगों के दौर में भी मीडिया मैनेजर्स होते थे, आप लोगों के दौर में भी वो अमजद भट्टी साहब थे, उनसे बड़ी अच्छी हमारी कम्युनिकेशन रही, रजा रहा, शकील खान रहा और रहे, सारे देखे सीजन लोग थे, पुराने लोग थे, रिस्पेक्ट जानते थे कि सीनियर कौन है जूनियर कौन है, हमारे हाथों से शेख साहब लिस्टें जाया करती थी, आपको पता है कि ये लोग हैं जी, ये हमारी रिक्वायरमेंट, हमने आपसे कोई वो थोड़ी कहते थे कि हमें जनाब सोफे लगवा दो या हमें स्क्रीनें लगवा, हम यही कहते थे भाई जर्नलिस्ट की एंट्री स्मूथ हो ताकि हमें कवरेज में आसानी हो। सही है। जब से ये आया कैमरा मैनों को फोटोग्राफरों को इन्होंने बैन कर दिया, एक नंबर टू इसकी तो पूरी कोशिश है रिपोर्टर शिपोर्टर भी ना आए, इसकी नजर में 4 कराची के जो है वही रिपोर्टर है, बाकी जो है वो कोई रिपोर्टर नहीं है, ये उन्हीं को फैसिलिटेट खानों पे भी ले जाएगा, सब कुछ करेगा। इस तरह मैंने अपनी लाइफ में जो थोड़े से 34-35 साल शेख साहब गुजारे हैं, जी जी, मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का एरोगेंट, इस तरह का जीरो, जिसका जीरो मोहसिन, आपकी क्या आपकी रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि बहुत एक गंदा वाकया था, लड़ाई झगड़ा हुआ, मुक्केबाजी हुई, रिकमेंडेशन क्या है? आपको नजर आ रहा है कत्ल हुआ, उसके बाद आपने वकील बुलाया, आपने जज बुलाया, क्यों? जब एक वाकया हो गया वो बंदा प्रेशराइज होने को तैयार नहीं, वो अपनी रिपोर्ट वापस लेने को तैयार नहीं, आप कितने बेशरम है कि एक बाहर का बंदा दे
फलाने खान तो नन्ने खान तो फन्ने खान ये छुन्ने खान ये सारे पाकिस्तान से बाहर रहे हैं। इनका पाकिस्तान में यही स्टेक है कि मरने के बाद इन्हें यहाँ दफना दें। नोट ये बाहर कमाते हैं। अब पाकिस्तान इमरान खान साहब ने सही फरमाया था कि यहाँ लोग नौकरियां लेने आएंगे तो चार पांच लोग आए। अगर आपको याद हो शकील शेख साहब, आप ही के प्रोग्राम में आप ही के प्लेटफॉर्म से मैंने अर्ज की थी कि आप सीवीज लोगों के तगड़े कर रहे हैं। वसीम गुजार खान जीएम लग गया है आईसीसी का, आगे भी देखिए कहाँ का। ये समी तो फारिग हो रहा था वहाँ आईसीसी से, ठीक हो गया। अच्छा मोहसिन, जैसे इसको आपका मोहसिन वक्त थोड़ा सा कम है। अच्छा जी, जो लफ्ज उन्होंने यूज किए थे कहें तो मैं आप यार बता दूं। नहीं नहीं मोहसिन, एक इस पे हो गया और ये दूसरा जो प्रैक्टिस हुई है पाकिस्तान टीम की, इस पे बताइए। भाई जान देखें, ये बहुत बड़ी बेइज्जती और शर्मिंदगी की बात है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे पिंडी स्टेडियम मौजूद है। ये माजी में आपने डायमंड में तो हमने देखा तो डायमंड वर्ल्ड क्लास है, दुनिया उसकी तारीफ करती थी। एनी था 2018-19 तक डायमंड था। इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजून हो गया पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के साथ ही क्रिकेट भी दफन होगी। और एक नवीद खोकर साहब, आपने कहा कि आपने जनरल बाजवा साहब को कहा कि सर फुटबॉल की तरफ देखें यार, कोई खुदा का खौफ करे। वो 20 साल से पीओए में बैठा हुआ आरिफ हसन आपको एक प्रेसिडेंट नहीं नजर आई। हर फेडरेशन में ये लोग नजर नहीं आए, आप एक और फेडरेशन में भी इनको लाना चाह रहे हैं यार। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया मोहसिन अली, स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन बात करेंगे फुटबॉल के हवाले से और हॉकी के हवाले से, लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच के हवाले से, ब्रेक से पहले हमने बात किस हवाले से, और अभी बात करेंगे नकौमी खेल हॉकी को लेकर। नेशन कप के लिए जो टीम है साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है। इसके साथ में बात ये भी करेंगे कि सेक्रेटरी हैदर हसनैन है, उनका कहना है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास पैसे नहीं है। शायद ऐसा लगता है कि जैसे ग्राउंड्स को ताले लग जाएंगे। यकीनन बड़े अलमिये की बात है कि पीसीबी पीएसबी क्या फंड कर रहा है, पीएचएफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास पैसे क्यों नहीं है। इस पर बात करेंगे, शकील शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बड़ी हैरानगी वाली बात है कि हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने लड़कों को दूसरे मुल्क में खेलने के लिए भेजें। पहले अजलान शाह में भी इशू हुआ और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं जो, वो हमारे साथ लाइन पर भी बाद में मौजूद होंगे। हॉकी ना सिर्फ कौमी खेल है बल्कि ड्रीम होता था, लोग जाके स्टेडियम में देखते थे, क्या स्टार होते थे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान का फ्लैग ओलंपिक और दूसरी जगह में ज़्यादा था। वो तो आप किस्सा ही ख़त्म हो गया। तो पाकिस्तान में लोगों को बड़ा अफसोस है कि हॉकी का डिक्लाइन किस तरह हुआ है, मैनेजमेंट की गलतियाँ हैं, किसकी गलतियाँ हैं। बीच में ओलंपियंस आ गए, उन्होंने मिसमैनेजमेंट की या नहीं की उस पर भी इल्ज़ाम लगे, फिर पैसा ही नहीं रहा। फिर दुनिया जो आस्ट्रोट्रॉफ और दूसरी तरफ चले गई, उनके यहाँ अच्छी फैसिलिटी हैं। पाकिस्तान में आस्ट्रोट्रॉफ बहुत कम हैं, लेकिन बहुत कम है, खेलने की फैसिलिटी नहीं है। क्लब लेवल ख़त्म हो गया, एसोसिएशन पिंडी इस्लामाबाद लाहौर कराची आप देखें है ही नहीं है, गोजरा या दूसरी जगहों पर होती हैं। लेकिन यह है कि ज़्यादातर पैसे की और फैसिलिटी की कमी है एक, और दूसरी बात है कि इस खेल को देखें, कौमी खेल है, इसमें तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, फिर जो बड़े बड़े अदारे हैं। आर्मी चीफ ने काफ़ी हेल्प की थी मेरे ख्याल ब्रिगेडियर साहब के दौर में और कोशिश की थी, लेकिन यह है कि हॉकी का ना वो उस तरह फिर दोबारा कम बैक नहीं हुआ। सही है, अब ये कई सालों से जबू हाली का जिसे कहते हैं शिकार है, लोग आ नहीं रहे इस तरफ, खेल नहीं रहे। हालांकि हॉकी ने जितनी पाकिस्तान को खुशियाँ दी हैं, हॉकी के खिलाड़ियों ने और इस गेम ने, जितना पाकिस्तान का झंडा और आपको पता है उसीर बुंदा से लेकर बड़े बड़े रशीद जूनियर और शनाज शेख और मंजूर और सारे, अच्छा अब हालत ये है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम है क्या, टूर के लिए पैसे नहीं हैं और वो मांगने पड़ते हैं या देने पड़ते हैं। भाई एक फ़ंड मुकर्रर करें, यहाँ पे छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट बन जाती हैं, वहाँ पे फंड मिल जाते हैं, आप फंड मुकर्रर करें, वो 5-10 अरब रुपया दें हॉकी को साल का दिया करें, गवर्नमेंट दे दे, चलें गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे दे, कोई बड़े अदारे दे दे, 5-10 अरब रुपया दें, क्योंकि ये लोग अपने स्टेडियम बनाएं, अपना आस्ट्रोट्रफ करें, प्लेयरों को फिर सारा एक स्ट्रक्चर बना के ये करें। तो आपके मेहमान जो हैं उनको मैं वेलकम करता हूं। सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हैदर हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर भाई वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत हैं आप लोग? जी वालेकुम सलाम। हैदर भाई, आपकी बात पिछले दिन हम सुन रहे थे और बड़ा दुख भी हुआ हमें इस बात का कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप एक इवेंट के लिए, एक छोटे से इवेंट के लिए, इंटरनेशनल इवेंट के लिए अपने लड़कों को भेज सकें। क्या समझते हैं, कहाँ कहाँ लैब्स हैं, कहाँ कहाँ कमजोरियाँ हैं? पैटर इन चीफ हैं आपके भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, आपने रब्ता किया उनसे, पीसीबी पीएसबी से रब्ता किया, क्या रिस्पॉन्ड मिला आपको? बिल्कुल, हमारा कहने का मकसद ये है कि
पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से जो ग्रांट मिलती है वो 35 लाख रुपए मिलती है और पड़ोसी मुल्क को अरबों रुपए फंड मिलता है, ठीक है, उनको ग्रांट है उनकी। अब मुझे बताएंगे अगर पाकिस्तान का टूर तो छोड़ें, अगर पाकिस्तान में हम कैंप लगाते हैं तो वो 50 से 60 लाख रुपए का खर्चा आता है, जिसमें होटल नहीं है, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपेशन के अपने हॉस्टल है, वहां पर रहने का वो फ्री होता है, बाकी उनका फूड और उनका डेली अलाउंस और उनका पानी जो टैंकर आते हैं और इलेक्ट्रिसिटी, उसका खर्चा 50 से 60 लाख रुपए। 35 लाख रुपए में हमने क्या करेंगे आप मुझे बताएं, हमें नहीं चाहिए, हम ठीक है नहीं देते ग्रांट, लेकिन जो टूर्स हैं जो हम एक्सपेंडिचर्स भेजते हैं वो खुद करें खर्चे, ठीक है अगर पहले कुछ होता रहा या वो, लेकिन आप प्लेयर को तो नुकसान ना करें ना इस चीज का। प्लेयर अगर हम अभी साउथ अफ्रीका नहीं जाते, अब अजलान शाह में हमें किसने फंड नहीं दिया, अगर एंग्रो ग्रुप ऑफ कंपनी हमारे साथ नहीं खड़ा होता तो हम अजलान शाह में नहीं जाते, 18वें से हम 21वें पे चले जाते। अजलान शाह में हमारे जो प्लेयर्स गए वो 9 प्लेयर्स ऐसे थे जिनका डेब्यू था, जो पहली मतलब पाकिस्तान इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे और उन्होंने उस थर्ड पोजीशन का मैच उससे जापान से खेला जो एशियन चैंपियन थी और उसको 5-3 से बड़े मार्जिन से उनको बीट किया। तो अब साउथ अफ्रीका जाना था, साउथ अफ्रीका अगर हम नहीं जाते तो 15,000 यूरो फाइन लगता, उसके बाद 3 साल के लिए पाकिस्तान हॉकी के इंटरनेशनल मैचेस पे बैन लग जाता, हम इंटरनेशनल से बिल्कुल ही फारिग हो जाते पाकिस्तान, वैसी हमारी डिक्लाइन है। और अब सिस्टम ये हो गया कि जितने आप मैचेस खेलेंगे उतने पॉइंट्स गेनिंग सिस्टम है, जितने मैचेस खेलेंगे उतने आपको पॉइंट्स मिलेंगे और जितने मैचेस आप टूर्नामेंट में नहीं जाएंगे आप डिक्लाइन पे आता रहेगा। हम लोग जो 18वें नंबर पे आए ये खेल के नहीं आए, टॉप 10 में टीम थी, टॉप 10 से हम प्रो लीग में नहीं गए तो 18वें नंबर पे चले गए। सही। तो अभी हम साउथ अफ्रीका, हम नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट और नेशनल बैंक के पूरे इदारे का शुक्र गुजार हैं और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का भी और जो है शुक्र गुजार हैं कि अभी उन्होंने हमारे, हमने बजट तो ज्यादा दिया था लेकिन उन्होंने 17 टिकट का कमिटमेंट किया लेकिन अभी तक रिलीज नहीं हुआ पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से। ठीक है, ठीक है, तो वो हो जाए तो बहुत अच्छा है कि थोड़ी सी हेल्प हो जाए, लेकिन इस तरह कब तक चलेगा? अब नया टूर्नामेंट आएगा फिर हम हर दर पे जाएंगे। ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे पैटर्न इन चीफ भी हैं हॉकी के, उनको चाहिए थोड़ा सा इसको स्टैंड लें और पाकिस्तान हॉकी के मामला देखें, हमें बुलाएं। मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि हमारे जो हमारी स्ट्रैटेजी हम आगे करना चाहते हैं वो उस पर ध्यान दें और थोड़ा सा आप थोड़ा सा टेकअप करें ये चीज़ें तो आप देखिएगा कि हमारे में टैलेंट बहुत है हमारे बच्चों में और पाकिस्तान हॉकी दोबारा से खोए हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर सकती है, लेकिन टेक्स टाइम, उसके लिए मनी भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। ठीक। और हमारे पास एटमैन हॉलैंड का डच कोच है जो बहुत ही आउट क्लास कोच है, वर्ल्ड रैंकिंग कोच है, क्वालिफाइड कोच है, वो पाकिस्तान को। और आप ये देखें, बड़ी मैं सैड न्यूज बता रहा हूँ कि 8,500 यूरो इसका पर मंथ स्पोर्ट बोर्ड ने देना है, वो भी अभी 5-6 महीने से नहीं मिला उसे, और वो पाकिस्तान की मोहब्बत में, वो यहाँ पर पाकिस्तान को कह रहा है कि पाकिस्तान को ये भी चाहता है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डाला के ऊपर जाए। सही सही। तो वो भी रिलीज करे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और अगर डच कोच को नहीं रखना तो फिर बताए, फिर हम नहीं रखते, लेकिन उससे कितना फायदा हो रहा है डच कोच से, जो पाकिस्तान टीम आप देखेंगे ग्रेजुअली किस तरह जा रही है। आप भारत का कॉमनवेल्थ गेम, हैदर भाई ये सवाल एक ले लें, शकील शेख साहब से एक सवाल ले लें फिर बात करते हैं आगे। जी शेख भाई, आपको मैं वेलकम करता हूँ, बड़ा दुख होता है सारी स्टेट देख के, ये एक तो फाइनेंशियल इशू है और एक जो है डिक्लाइन हुआ है, लोग इंटरेस्ट नहीं ले, डिक्लाइन इन इंटरेस्ट हुआ है कि लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, खेलते नहीं है। मेरी इतलात में आप लोग गए थे, अपना बुलाया था, ख़ास तौर पे गवर्नर सिंध ने भी बुलाया था आपको, कामरान तसूरी साहब ने, और फंक्शन भी किया और उन्होंने भी कुछ इंश्योरेंसेस दी हैं, नेशनल बैंक ने भी किया है, नेशनल बैंक के चीफ ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया है, चलें पैसे मिल जाएंगे, बहरहाल कमिटेड हैं, और गवर्नर साहब ने भी कहा है कि वो भी अपने ऑफिस, गुड ऑफिस यूज़ करेंगे और अपने तौर पर कोशिश करेंगे मिलें, प्राइम मिनिस्टर पैटर्न है। मुझे बताइए कि भाई ये कैसे मामला चलेंगे अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास फैसिलिटी नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है, ये तीनों चीजों पे आपका क्या टेक है? अब सर यही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को भी आना चाहिए, अभी लाहौर कलंदर भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ खड़ा है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट उसमें एमओयू हमारा साइन हो जाएगा। तो हमारा देखें, हमारा ये स्टांस ये है कि देखिए, अभी जब जनरल जिया साहब थे उन्होंने एक स्टांस लिया था कि PIA जो है सपोर्ट करेगा पाकिस्तान हॉकी को, वादा करेगा क्रिकेट को और एयरफोर्स करेगा स्क्वाश को, लेकिन चले PIA के खुद हालात बेहतर नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि हमारा 6 प्रोडक्ट्स है, हमारी एक एक प्रोडक्ट अगर कोई उसको ओन कर ले और उस पर स्पॉन्सर करे, सारी टीम तो हर कोई नहीं कर सकता। नेशनल बैंक ने एक स्टांस लिया है, हम रहमत हसनी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं जो नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट है, कि एक साल का वही हमसे MOU करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अन करीब आप देखिएगा कि हमारा MOU हो जाएगा। लेकिन इसी तरह बाकी टीम्स भी हैं, एक टूर पे शकील साहब हमारा 3 से 4 करोड़ पे खर्चा होता है, जिसमें डेली अलाउंस है, जिसमें होटल है, जिसमें ट्रैवलिंग है, तो इसमें तो स्ट्रेट चीजें हैं ना सारी,
नहीं मुझे पता है जर्नलिस्टों ने आपकी बड़ी हेल्प की, यही हुसैनी ने बहुत हर जर्नलिस्ट का मैं बल्कि भाई है, मेरा दोस्त है, मुझे उसने सारी तफसील बताई है, सारी तफसील खड़ा हुआ है हमारे साथ जी। उसने बड़ी अच्छा गवर्नर को भी कहा, वो और लोगों को भी कह रहा है, और देखो जर्नलिस्ट भी आपकी हेल्प के लिए तैयार है, मैं भी तैयार हूँ और लोग भी तैयार हैं। हम तो देखना चाहते हैं ग्लोरी वापस हॉकी की, ये कैसे आएगी हैदर साहब, इसमें बताए हमारा तो खुशी है ना कि आप लड़के जो है सोशल मीडिया का दौर है, चैनल्स की ये खबरें देखेंगे कि पैसे नहीं है, कि हम जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। अजलान शाह में लास्ट 3 डेज पहले पता चला था कि जा रहे हैं, तो क्या परफॉर्मेंस होगी प्लेयर्स को? प्लेयर्स को तो रिलैक्स करना चाहिए ना। सही सही। अब जैरीज इंटरनेशनल से मेरी बात हुई है, तो नेक्स्ट टूर होगा तो वो $50 पर मैच प्लेयर्स को देगा। इसी तरह के लिए प्राइवेट सेक्टर आएंगे तो प्लेयरों के लिए भी अच्छा होगा, फेडरेशन के लिए भी अच्छा होगा, कॉम के लिए भी अच्छा होगा। आप ये देखें कि 3 वर्ल्ड कप, ओलंपिक, एशियन गेम, एशिया कप, पाकिस्तान कितने टाइटल लेके आया, कितने ग्लोरीज लेके आया। कौन सा ऐसा खेल है हॉकी के अलावा जिसे पाकिस्तान का इतना ठीक है ग्लोरी लाके दिया? ठीक है हैदर भाई, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, नेशन कप में टीम मौजूद है 28 तारीख को, आप साउथ अफ्रीका के साथ मुकाबला कर रहे हैं, फ्रांस के साथ भी मुकाबला है, आयरलैंड के साथ भी मुकाबला है, आई थिंक आप ये 3 मैच पाकिस्तान के होंगे, क्या समझते हैं पाकिस्तान टीम इस वक्त? मैच के हवाले से बताइएगा कौन सी टीम है, कौन सा मैच हम जीत सकते हैं और कौन सा मैच है हमारा वो तकरीबन विन विन 50-50 पे है? देखें इसमें से 5 टीमें तो वही हैं जो अजलान शाह में थी, सही है। अजलान शाह में पूरी टीम थी, साउथ अफ्रीका बस ये थी कि थोड़े से वो यंग प्लेयर लाए थे जैसे पाकिस्तान टीम लेके आई थी, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह विक्ट्री स्टैंड पे पाकिस्तान टीम होगी। लेकिन आप ये देखें कि प्लेयर्स को थोड़ा, शकील भाई तो जानते हैं क्रिकेट सारा संभालते हैं, क्रिकेट में इन्होंने कितना काम किया है, जब प्लेयर्स को हम रिलैक्स देंगे तो परफॉर्मेंस दी जाएगी ना। बिल्कुल। अब वो क्या परफॉर्मेंस देंगे कि वो पता ही नहीं कि उन्होंने जाना है नहीं जाना। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हैदर हसनैन हमारे साथ मौजूद थे शेख साहब। वैसे जिस भी स्पोर्ट्स को लेके बात करना शुरू कर दें तो रोला ही नजर आता है, इस पिछले टाइम में तो बहुत ज्यादा तबाही हुई है स्पोर्ट्स की। इमरान खान के दौर में हुआ, एक खिलाड़ी था, प्राइम मिनिस्टर था, उसने ना सिर्फ केयर नहीं की बल्कि सारों का सारा स्ट्रक्चर खराब किया, और ज्यादा मेजर डंट ये हुआ था कि डिपार्टमेंट खत्म कर दिए थे, डिपार्टमेंट बड़ी सपोर्ट। अब हैदराबाद भी कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट हमें प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट करे, भाई आप इन्वॉल्व कर लो, इमरान खान ने सारे खत्म कर दिए। सर एक और चीज भी खत्म, प्राइवेट भी खत्म। शेख साहब अगर ये प्राइवेट डिपार्टमेंट आ जाए, इनके पास पैसा है, वो अपना पैसा लाते हैं, फेडरेशन की भी मदद करेंगे, दूसरों की भी मदद करेंगे, तो ये सारा का सारा जो है ना स्पोर्ट्स का जैसे इसका दौर था वैसे ही इसने पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को बहुत नुकसान पहुंचाया। वैसे शेख साहब आप लोगों ने भी एक सिस्टम बनाया था क्रिकेट बोर्ड के अंदर, आप पैसा आया इन्वॉल्व हुआ, जो स्पॉन्सर थे वो इन्वॉल्व, क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन शायद इस मामले पर नाकाम रही है इससे पहले भी कि कभी? क्रिकेट तो बिकती है, ब्रॉडकास्टिंग राइट ये बोले, लेकिन आप देखें अब फुटबॉल हो रहा है, दुनिया में फुटबॉल बिका है कि नहीं बिका, मगर हमारे यहाँ मिसमैनेजमेंट के इशू है ही नहीं, स्ट्रक्चर ही नहीं सही, लोगों ने ही सियासत, अब 3-3 ग्रुप बने हुए हैं, वही सियासत करके सारा खराब कर। हालांकि फुटबॉल से ज़्यादा मुझे बताएं कि अट्रैक्शन क्या है इस वक्त, इस वक्त क्रिकेट की पाकिस्तान की सीरीज हो रही है, लोग ज़्यादा फुटबॉल पर बात कर रहे हैं, पता है आपको? जी बिल्कुल, लोग ज़्यादातर स्क्रीन के साथ ग्लू कर गए हैं, स्टिक कर गए हैं, फुटबॉल का मैच देखो जी, तो फुटबॉल में तो बड़ी अट्रैक्शन है, अगर फुटबॉल में ही करें तो बहुत, इनको चाहिए कि भाई एक सिस्टम अच्छा बनाए, अच्छा सिस्टम ही ना बनाए, उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट होनी चाहिए उसके पीछे, और जब आपकी टीम दुनिया में परफॉर्म करेगी तो फिर आपकी स्पॉन्सरशिप भी बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन भी हो जाएगी, ब्रॉडकास्टिंग के राइट भी मिल जाएंगे, दूसरी टीमें भी आएंगी। तो हॉकी से तो, हॉकी तो ऑलरेडी ग्लोरी पे था, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए इस कौम की मतलब कि क्या मैं कहूँ, हमारी सबकी नसीबी है कि एक चीज़ ग्लोरी पे थी उसको हमने तबाह कर दिया। बिल्कुल, एक चीज को नीचे से लेके जाना ग्लोरी पे वो और बात है, लेकिन ऑलरेडी वहां पे थी एक चीज, दुनिया में पाकिस्तान रूल करता था हॉकी में। बिल्कुल, बिल्कुल, और वो नीचे इतनी आ गई है कि आज पैसे नहीं है कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट। ठीक हो गया, बढ़ेंगे जरा फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से शेख साहब। फीफा वर्ल्ड कप में पहला राउंड है वो खत्म हो चुका है, और बड़ा जबरदस्त और अपसेट जो मैचेस का मुकाबला है, जो सिलसिला है वो भी जारी है, और आप वाली बात है शेख साहब कि बड़ा लोग तो अब फुटबॉल को प्रॉपरली पाकिस्तान में भी देखते हैं, इसकी 2-3 वजह भी हैं, एक तो हमारा फुटबॉल वहाँ पे यूज हो रहा है, हमारी पाकिस्तान आर्मी भी गई हुई है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब लोग चाहते हैं कि फुटबॉल का रिवाइवल हो पाकिस्तान के अंदर भी। हम बदकिस्मती से 211 में से 196 नंबर के ऊपर मौजूद हैं, और हमारी खवातीन शायद 160 पे के 164 के ऊपर वो भी मौजूद, तो इस पे जरा बात कर लेते हैं। आपने मैचेस वगैरह तो आप भी देख रहे होंगे, बड़ा एक मैच जो डिस्कस करने वाला है जो बेहतरीन है, एक तो रोनाल्डो है, उन्होंने मैनचेस्टर को खैराबाद कह दिए, अल्हामी क्लब है उसका सऊदी अरब का, उन्होंने उन्हें ऑफर किया कि अगर आप उनके साथ आना चाहें, और बड़ी एक बहुत बड़ी अमाउंट है वो उन्हें पे करना चाह रहे हैं। अच्छा, रोनाल्डो तो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, आपको पता है बेल्जियम से खेल रहा है, और बेल्जियम का मैच जो पोर्चुगीज का जो मैच है वो आपने देखा है कि घाना के साथ था, और घाना ने बड़ा टफ टाइम दिया,
वो तो गाना जो था वो बराबर ही करने लगा था। बिल्कुल और पोर्चुगीज की टीम तो आपको पता है लीडिंग टीम्स में है, फिर उसमें रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी जो हाँ खेलते हैं जो दुनिया का लीडिंग वन ऑफ द लीडिंग मेसी और रोनाल्डो वगैरह, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि जी पोर्चुगीज की टीम को भी बड़ा टफ टाइम मिला है। फिर आप आगे चलें सऊदी अरब वाला मैच को सऊदी देखा। अरेबिया ने देखें अर्जेंटीना को, चैंपियन टीम थी उसको हराया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सरप्राइज हुआ एशिया की दूसरी टीम जापान थी, जापान ने जर्मनी को हरा दिया। 4 बार की अच्छा डिफेंडिंग चैंपियन जर्मन। रात को मैं देख रहा था कि ब्राज़ील का बड़ा टफ मुकाबला हो रहा था सर्बिया के साथ। सही है अब ब्राज़ील कहाँ हाँ, पे जी, बिल्कुल नेमार बिल्कुल और पता नहीं उस टीम का उससे क्या मुकाबला सर्बिया के साथ, मगर सर्बिया वॉज गिविंग टफ टाइम। 2 गोल कर दिए भाई उन्होंने, सर्बिया ने भी कर दिए नहीं, जी और मुझे तो लग रहा था कि वो बराबर कर जाएंगे, मैच ही बराबर कर जाएंगे। तो ये पुर्तगीज और गाना का मैच, फिर आप देख लें कि जापान का जीत जाना जर्मनी से, फिर सऊदीया का जीत जाना अर्जेंटीना से, सही और फिर ब्राज़ील को टफ टाइम देना सर्बिया का। यार व्हाट ए अमेजिंग गेम। ठीक और है पता नहीं लोग तो कहते थे कि क्रिकेट ही बाई चांस है, हाँ मुझे तो यहाँ पे हाँ लग रहा बिल्कुल है कि बड़े फुटबॉल इज बाई पावर, लेकिन यहाँ पे तो जो छोटी टीमें थी खासतौर पर एशिया की टीमें थी, सऊदी अरेबिया और जापान ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है वो तो मैं अमेजिंग, कैसे जबरदस्त परफॉर्म किया। फुटबॉल के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। शराफत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। सर वेलकम करते हैं शो में। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। शराफत भाई, हम फुटबॉल की पे बात करते हैं और बड़े एक्साइटेड भी होते हैं कि पाकिस्तान में लोग अब फुटबॉल के ऊपर बात करना भी शुरू हो गए और ये समझना शुरू हो गए कि फुटबॉल भी पाकिस्तान को खेलना चाहिए और पाकिस्तान को किसी नंबर पे आना चाहिए। आप फेडरेशन के साथ रहे हैं, अभी बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को लेकर, आप क्या समझते हैं हम कब इस काबिल हो जाएंगे कि हम भी कभी वर्ल्ड कप के अंदर और दुनिया का सबसे बड़ा जो इवेंट है ओलंपिक्स के बाद फीफा के वर्ल्ड कप में हमारी टीम है जो वहाँ पर नजर आएगी। जी बहुत शुक्रिया जनाब। और वो कहते हैं ना कि भाई उम्मीद उम्मीद बाहर रख, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट है फुटबॉल का, मगर बदकिस्मती से हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। और इस वक्त आप जो 213 कंट्री हैं और उसकी जो ना ये ऑर्गेनाइजेशन है फीफा, और इस वक्त पूरी दुनिया जो है ना वो फीफा फेवर में मुबतला है, और इस तरह पाकिस्तान में भी फुटबॉल का बेतहाना शौक भी है, लोग देख भी रहे हैं। और आप मैं ये समझता हूँ कि अगर मुस्तकबिल में कुछ अच्छी मनसूबाबंदी की गई, जिस तरह दूसरी कंट्री हैं तो 20-25 साल जो ना वो मनसूबाबंदी करती है वर्ल्ड कप के लिए या दूसरे इवेंट के लिए, तो अगर हमारी भी कोई अच्छी फेडरेशन आ गई और उसने कोई मनसूबाबंदी की, तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि 30 या 40 सालों में हम जो ना आगे तो वो वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल क्वालिफाई कर सकेंगे, लेकिन बहुत लंबा टाइम चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। सही सही जी शराफत साहब, आपको वेलकम करते हैं। ये बताइए कि ये जो इस दफ़ा का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है कतर में, ये ख़ास तौर पे बड़े सरप्राइज दे रहा है, बड़े अपसेट दे रहा है, और सऊदी अरेबिया ने देखो मैच जीत लिया एक बड़ी टीम के ख़िलाफ़, अर्जेंटीना के ख़िलाफ़, जापान ने जर्मनी के ख़िलाफ़ जीत लिया, रात को देखें ब्राज़ील का मैच बड़ा टफ हुआ, फिर पोर्चुगीज़ का बड़ा सख्त मैच हुआ है गाना जैसे मुल्क के साथ। आप क्या देख रहे हैं कि फुटबॉल का दुनिया में ट्रेंड बदल रहा है, ये जो छोटी टीमें हैं ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, क्रोशिया का मैच एक छोटी टीम के साथ आप देखें कि बराबर हो गया, तो ये बहुत सारे मतलब ये क्या ये टूर्नामेंट अपसेट्स का नाम अब रहेगा वर्ल्ड कप फुटबॉल का, या आप समझ रहे हैं कि वही ट्रेडिशनल 4-5 ऊपर आएंगे? जी, देखें मैं ये समझता हूँ कि ये जो 32 टीम्स हैं जो दुनिया से अपने अपने राउंड क्वालिफाई करके आई हैं, जी ये टीमें तो बहुत अच्छी हैं, बड़ी मेहनत करके आई हैं, ये 4 साल से वर्ल्ड कप खेल रही है आपको पता है, सही 4 साल से तैयारी करके। और बदकिस्मती ये है कि पूरी दुनिया में अगर ब्यूरो देखा जाए तो एशिया एशिया जो है हमारा उसमें फुटबॉल जो ना वो बेहतर नहीं है, हम नीचे हैं, और एशिया के बाद फिर हमारा जोन आता है। लेकिन इस वक्त देखें अभी ये जो ना 17वां मैच चल रहा है इस वक्त, वो भी एशिया की टीम है ईरान को खेल रही है वेल्स के खिलाफ, और मैंने ये मैच देखा है अभी तकरीबन कुछ 5-7 मिनट रहते हैं, तो 3 ओपन चांस जो ना वो ईरान को मिले हैं लेकिन वो गोल नहीं कर सके। तो फुटबॉल तो अपसेट होता रहता है, फुटबॉल तो देखें टीमें सारी तैयारी करके आती है लेकिन उस दिन की बात होती है किसने क्या प्लानिंग करनी है, कोच ने क्या प्लानिंग करनी है, फिर मौसम किसके लिए बेहतर है, ये सारी चीज़ें जब शामिल होती है तो फिर वो टीम जो है ना वो रिजल्ट देती है। ठीक है, मैं ज़रा आपसे पूछना चाहूँगा शराफत भाई, क्या समझते हैं कल का जो जापान की जो टीम है, जापान ने हराया जर्मनी को, जर्मनी 4 बार इससे पहले फीफा वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो जीत चुका है, जापानी वर्ल्ड कप में उनको उन्होंने हरा दिया लेकिन उसके बावजूद भी एक ट्रेंड उन्होंने बना दिया कि हर मैच के बाद वो बाकायदा सफाई करते हैं और एक नई चीज़, एक तो कतर है जो वो तो दुनिया के नक्शे पर आ रही है सामने, पर जापानी
कोम भी अपनी टीम के साथ कैसा ट्रेंड उन्होंने सेट किया इस हवाले से, जापानियों के हवाले से स्पेशली क्या कहना चाहेंगे कि वो जब भी मैच खत्म होता है, वो किसी भी कभी मैच हो, वो सफाई करते हैं सारे स्टेडियम की। देखिए देखिए, जापान जापान एक बहुत अच्छी टीम है, और 2002 में जापान और कोरिया ने मिलकर एक वर्ल्ड कप भी जो ना वो एशिया में लेके आए और अपने मुल्क में गई और उसमें कोरिया सेमीफाइनल खेली है। तो जापान नो डाउट कि एशिया की बेहतरीन टीम है, टॉप टीम है, इसकी रैंकिंग भी अच्छी है और बिल्कुल प्लानिंग के साथ है ये, और ये एशिया में हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि एशिया में हो रहा है तो इसका एडवांटेज जो ना जाहिर है एशिया की टीमों को जाएगा और वो उठा रहे हैं, हाँ वो उठा रही है। देखिए आप, सऊदी अरब ने बिल्कुल अपसेट किया, जापान ने बहुत बहुत अच्छा मैच खेला है, और मैं ये समझता हूँ कि एशिया से इस दफा जो है वो जो टॉप फोर टीमें होंगी तो उसमें एक आठ टीम लाजमी जो ना हमारी एशिया की टीम आएगी। ठीक है, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया शराफत हुसैन, एक्स साबिक सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, हमारे साथ मौजूद थे। शेख साहब, बात कर लेते हैं फीफा के हवाले से ही। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया, उन्होंने ये बात कही कि कतर को जैसे इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से, यूरोपियन मीडिया की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो कतर की हौसला अफजाई करनी चाहिए इतना ज़बरदस्त इवेंट करवाने पर। आप क्या समझते हैं, मीडिया स्पेशली वेस्टर्न मीडिया है जो, वो कतर को लेके कुछ ज़्यादा ही इस्लामोफोबिया का शिकार नहीं है? हाँ नहीं, देखें फुटबॉल में वो जो कतर का इनाग्रेशन आपको पता हुई है, जो कुरानी आयत पढ़ी है गिनम साहब ने, वो मैसेज ये था कि जी नेशन में और ट्राइब्स में डिस्प्यूट है लेकिन एक दूसरे को आप बर्दाश्त करें। वो क्या मैसेज क्या था, वो मैसेज ये था, उसका सिंपल ये है, इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड, इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड, सही यही था दोनों का। तो अगर वो उसने तो इतना अच्छा मैसेज दिया कि आप कोई भी हैं, कैसे भी हैं, लेकिन क्योंकि सारे अल्लाह ताला का निज़ाम है बनाया हुआ, ये दुनिया अल्लाह का, तो फिर आप सारों को बर्दाश्त करें, अपना दूसरे का हक भी बर्दाश्त करें, मुखालफत भी हो, लेकिन इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड, हर एक का बराबरी का हक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे ये प्रेस है, इन्होंने काफ़ी शुरू कर दिया है कतर के खिलाफ, लेकिन देखें टूर्नामेंट तो हो रहा है जी और बहुत अच्छे से हो रहा है और इतना अच्छा हो रहा है, 8 स्टेडियम बनाए हैं जिनमें से मेरा ख्याल है कि वो कह रहे हैं कि 5 या 6 स्टेडियम तो वो मतलब है कि आर्टिफिशियल से हैं, वो डिसमेंटल करके हो सकता है एक आध पाकिस्तान को भी पूरा स्टेडियम बिल्कुल वो तो ये कह रहे हैं, एक दो शायद वो रख लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कतर एक ऐसा मुल्क है जो तब उसका कैपिटल दोहा है और दोहा में ही तकरीबन 80% आबादी वहाँ रहती जी, बाकी बहुत कम है। तो उन्होंने बना तो दिए हैं और स्टेडियम भी बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट, बड़े ज़बरदस्त फीफा के उस रसूलों के तहत, और एक इतनी फैसिलिटी किसी स्टेडियम में कभी दुनिया में नहीं हुई जितनी उन्होंने पी, बल्कि इनको तो मशहूर होना चाहिए। अब अगर यूरोपियन टीमें हारनी शुरू हो गई हैं या फुटबॉल के पावर हाउसेज जो हैं वो हारने शुरू हो गए हैं तो ये तो खेल का हिस्सा है। वो सही कह रहे हैं कि जो 32 टीमें आई हैं ज़ाहिर है ये अच्छी हैं, सारी की सारी अच्छी हैं, कोई भी किसी को अपसेट कर सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भई अच्छी तो सारी हैं मगर जो लेवल फ्रांस का, अर्जेंटीना का, ब्राज़ील का, पोर्चुगीज़ का, क्रोएशिया का, ठीक है जर्मनी का, ये ज़रा अपर लेवल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, ये उस तरह जिस तरह हमारे यहाँ भी देखे ना क्रिकेट में 12-13 टेस्ट प्लेइंग नेशन, आप सारी बराबर तो नहीं जी, कैसे बराबर हो सकती हैं, बांग्लादेश है या अफगानिस्तान है या श्रीलंका है या वेस्ट इंडीज़ है, तो फ़र्क तो पड़ जाता है। यहाँ पर भी ये है कि 6-7 टीमें जो है ना वो बहुत सुपीरियर है और सुपीरियर टीमें जो है ना वो हार रही हैं। बिल्कुल, आपको पता है कि एशिया से तो 5 ही टीमें गई थी ना, कोरिया था, जापान था, फिर होस्ट जो है कतर, फिर अपना सऊदी अरेबिया और ईरान थे, 5 मुल्क थे। उसमें से आप देख लें कि सऊदी अरेबिया ने तो उड़ा के रख दिया ना, सारी दुनिया में एक नई वेव आ गई है फुटबॉल की, फुटबॉल वेव जिसको कहते हैं। बिल्कुल, और फिर जापान ने तो कमाल ही कर दिया कि अच्छा दोनों टीमें जो बड़ी टीमें थी उन्होंने पहले गोल किए थे, ये छोटी टीमें यानी जापान, उन्होंने गोल को ना सिर्फ उतारा बल्कि ऊपर से लीड ले ली। सही है, तो ये फुटबॉल का तो इस दफा इतना क्रेज है, लोग पागल हो रहे हैं। सही कह रहे हैं, ईरान से भी मुझे उम्मीद है कि ईरान ना, ईरान और यूएस का जो मैच है ना अमेरिका का, असल तो देखें वहाँ वो भी एक बहुत बड़ा मैच है। बिल्कुल ठीक है, एक सियासी जंग है वो मैच देखने वाला होगा। ईरान जीत गया, अमेरिका की टीम इतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको बताऊं, चढ़ाएं दर्जन एक गोल चढ़ाएं अमेरिका में। ईरान तो मेरे ख्याल में 20वें नंबर पे है इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में। अच्छा शेख साहब, कुछ क्रिकेट की एक दो खबरें रह गई थी, मैं चाहता हूँ जरा उनको भी डिस्कस कर लें। मोहम्मद आमिर को NOC नहीं दी जा रही, मोहम्मद आमिर बड़े परेशान हैं, वो देखें क्रिकेट नहीं खेल रहे, अब उनका जो तरीका का जो सारा घर का गुजर औकात है वो सारी की सारी लीग्स के ऊपर ही है, तो NOC ना देना क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या सूट करता है, क्या करना चाहिए? बराबरी की सतह पर डील करना चाहिए। मेरा ख्याल बोर्ड का ये है कि क्रिटिसिज्म किया, क्रिटिसिज्म तो होना चाहिए, हमारे दौर में भी होता था, मैं तो वेलकम करता था, ठीक है, ओपन माइंड के साथ, कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आमर ने किया है या कोई और कर रहा है तो करना चाहिए, और इस बोर्ड ने किया क्या है?
ठीक है, इसका तो हक ही नहीं बनता कि ये लोगों को एतराज करें, रमीश राजा या सारा नलायकों का वोट भरा हुआ है। ठीक है, और मतलब है कि इतने नलायक मैंने पाकिस्तान में नहीं एडमिनिस्ट्रेटर देखे जितने अब आए हैं, रमीश राजा नीचे सारा, ये सलमान नसीर, ये फैसल, ये नदीम खान, ये जाकर खान, बिल्कुल नले हैं और नए नए रूल बना के पावर ग्रैबिंग कर ली है, सही है, अपने दोस्तों यारों को रिश्तेदारों को नवाज रहे हैं, इनको तो क्रिटिसाइज करना चाहिए और आमर को डरना नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि सारा सोशल मीडिया और लोग इसके साथ हो जाएंगे। जी बिल्कुल भाई, उसका हक बनता है, आप उसको खेलने की इजाज़त दें, आपसे थोड़ा खेल रहा है, आपसे आपके तो टीमों में नहीं है, आप उसको NOC दें, जाके खेले, और भी सारे लड़कों, मैं सारों को कह रहा हूँ, मैं बराबरी की बुनियाद पर बात कर, ठीक है, मगर क्रिटिसिज्म से घबराना नहीं चाहिए और जितना ये करेंगे इस तरह की चीज़ें, ये इस तरह की चीज़ों से लोगों को दबाने की और ज़्यादा आवाज़ उठेगी, ठीक है, और उठनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट रमीज राजा के दौर में बिल्कुल तबाही होगी। अब आपको कल के फंक्शन से सारा पता तो लग गया है, पहले ये सिफारिश करके और तारीफें करके इमरान खान से इसने अपॉइंटमेंट कराई, सिफारिश करवा के, सिफारशी पहले दिन से पाकिस्तान की क्रिकेट में रमीज राजा जितनी क्रिकेट खेला है ये सिफारिश पर खेला है, सही, मैंने क्लिप भी लगाए हैं कि किस तरह का ये प्लेयर था। अच्छा, उसके बाद बोर्ड में आया, सिफारशी आया, और बोर्ड में अब जो सर्वाइव किया इनके बाद पता लग गया कि बाजवा साहब आए हैं, ये सिफारिश पे इसने सर्वाइव किया है, कोई मेरिट पे नहीं किया। और आप देखें ना, अगर सिफारिश में सर्वाइव को परफॉर्म तो कर दो यार, ठीक है, दो टेस्ट मैच हार गए हैं, एशिया कप हार गए हैं, मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट मैच हार गए सर, और आप कह रहे हो कि जी मेरी परफॉर्मेंस 70% 80% है, कहाँ पर है? और भाई आप मुझे बताओ ना कि आप वर्ल्ड कप के अगर 7 मैच जीत जाओ, सही, और जाके सेमीफाइनल और फाइनल हारे तो आप एक हो, ठीक है, 7 जीते हो, मगर जो असल मैच था आप वो हारे, वो हार गए, बिल्कुल ठीक, बाकी छोटे मैच तो आप चलो जी, और आप तो यार जिम्बाब्वे से भी हारे, शर्म आनी चाहिए रमीज राजा, ठीक हो गया, और मतलब इतना बेशर्म आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया शकील शेख साहब, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप के धुआंधार मैचेस जारी हैं फीफा वर्ल्ड कप में, और हॉकी फेडरेशन का कहना है कि उनके पास फंड नहीं है कि वो किसी भी गैर मुल्की इवेंट के अंदर अपने खिलाड़ियों को भेज सकें। PSL के ड्राफ्ट हैं जो 15 दिसंबर को कराची में होंगे, और साथ ही जो इंग्लैंड की टीम है 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए इस्लामाबाद को आएगी 27 नवंबर को। आज के शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।